सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आज से मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है बैक टू 17, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड पास्ट के 10 साल पीछे जाकर वहीं पे ही फंस जाती है। तो बिना देरी करे ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। वेल, ड्रामे की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जोंग शियाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कल की पार्टी के लिए कपड़े खरीद कर घर जा रही होती है, जहाँ पर जोंग शियाओ की बेस्ट फ्रेंड उसे टीस करते हुए कहती है कि कल तुम अपने क्रश जू यांग को इतने टाइम बाद मिलने वाली हो उसके बर्थडे पार्टी में, तो कल तुम जू यांग को क्या गिफ्ट दोगी। जिस पर जोंग शियाओ वहाँ से ये कह के निकल जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ जिस वजह से मैं जू यांग को अपना क्रश नहीं मानती। बट जोंग शियाओ की बेस्ट फ्रेंड भी जानती थी कि भले ही जोंग शियाओ उसे कितना भी छुपा ले, बट उसे मालूम है कि एक जोंग शियाओ ही थी जो पूरे स्कूल टाइम में कैमरा लेकर सिर्फ और सिर्फ जू यांग को ही रिकॉर्ड करती थी। जिसके बाद जोंग शियाओ अपने रूम में जाकर तुरंत ही उस कैमरे को ढूंढती है और पास्ट की रिकॉर्ड की हुई वीडियोज़ को देखने लग जाती है और डिसाइड करती है कि वो कल जू यांग को यही गिफ्ट देगी ताकि इन वीडियोज़ के थ्रू वो जू यांग को अपनी फीलिंग्स बता सके। वेलअप सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर जोंग शियाओ जू यांग की पार्टी में काफ़ी सुंदर से रेडी होके जाती है। बट वहाँ पर पहुँचने के बाद सभी लोग जोंग शियाओ को वेटर समझते हैं, क्योंकि जोंग शियाओ की ड्रेस वहाँ पर मौजूद सभी वेटर से मैच कर रही थी। वेल, ये जोंग शियाओ के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग मूवमेंट था, और इससे पहले कि जू यांग उसे देख ले, जिस वजह से जोंग शियाओ तुरंत ही वॉशरूम में जाती है कपड़े चेंज करने के लिए। वहाँ पर पहुँचने के बाद जोंग शियाओ कुछ लड़कियों की बातें सुनती है जो कि आपस में बात कर रही थी कि जू यांग को देखकर सभी लोग जू यांग के नज़दीक आ गए। बट जैसे ही जू यांग अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास बुलाया तो सभी लोगों के दिल टूट गए। पता नहीं जू यांग ने आज कितनी सारी लड़कियों के दिल तोड़ दिए हैं। और ऑफ कोर्स जोंग शियाओ भी जो है ये बातें सुन लेती है, और यहाँ पर जोंग शियाओ का भी दिल टूट जाता है। जिसके बाद जोंग शियाओ डिसाइड करती है कि वो पार्टी में नहीं जाएगी, जिसके बाद जोंग शियाओ तुरंत ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल मिलाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो जोंग शियाओ का दिया हुआ गिफ्ट तुरंत ही वहाँ से चुरा के लेके आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी जू यांग ने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है तो वो नहीं चाहती है कि पार्टी में कुछ भी खराबी हो और ना ही वो जू यांग के सामने एम्बेरसिंग फील करना चाहती है। बट जोंग शियाओ की बेस्ट फ्रेंड को वो गिफ्ट नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद जोंग शियाओ को ना चाहते हुए भी वापस से उस पार्टी में जाना पड़ता है। वेल, सभी लोग काम में बिजी थे, जिस वजह से जोंग शियाओ चुपचाप से गिफ्ट्स के पास जाती है और अपने कैमरे को ढूंढने लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि जोंग शियाओ उस कैमरे को ढूंढ पाती, कोई और ही जोंग शियाओ को देख लेता है। वेल, वहां पर मौजूद एक पर्सन जोंग शियाओ को देखकर ये सोचने लग जाता है कि यहाँ का वेटर इन गिफ्ट्स में से चोरी कर रहा है, जिस वजह से वो तुरंत ही जोंग शियाओ को पकड़ लेता है। लेकिन वो पर्सन जब जोंग शियाओ को देखता है तो पूछने लग जाता है कि क्या तुम यहाँ पे नौकरी कर रही हो। साथ ही साथ जोंग शियाओ के हाथ में गिफ्ट देखकर वो पर्सन ये सोचता है कि शायद से जोंग शियाओ अपना गिफ्ट यहाँ से इसलिए निकाल रही है क्योंकि वो जू यांग को पर्सनली गिफ्ट देना चाहती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनफेयर था, जिस वजह से वो पर्सन जोंग शियाओ से उसका गिफ्ट लेते हुए उसका गिफ्ट वहीं पे खोलने लग जाता है। और ऑफ कोर्स वो कैमरा काफ़ी ज़्यादा ओल्ड था, जिस वजह से वो वहीं पे जोंग शियाओ का मजाक उड़ाने लग जाता है कि क्या तुम जू यांग को इतना ओल्ड कैमरा दोगी। वेल, ऑफ कोर्स उस कैमरे में कुछ पुरानी वीडियोस थी जो कि जोंग शियाओ किसी को भी दिखाना नहीं चाहती थी, अदरवाइज जोंग शियाओ की बेइज्जती हो जाती, जिस वजह से जोंग शियाओ उस पर्सन से अपना कैमरा छीनने की कोशिश करती है। बट इसी हाथापाई में जोंग शियाओ का पैर फिसलता है कि तभी अचानक से आता है सीन स्विच। वेल, सीन स्विच होते ही अब जोंग शियाओ का लुक पूरा का पूरा चेंज हो चुका था। जोंग शियाओ काफी ज्यादा बच्ची जैसी लग रही थी, और उस टाइम पर जोंग शियाओ ने स्कूल की ड्रेस भी पहनी थी। वेल, जोंग शियाओ देखती है कि वो अपने ही स्कूल में मौजूद है, जहां पर जस्ट जोंग शियाओ के सामने जू यांग मौजूद था। वेल, यहाँ पर जोंग शियाओ को ये लग रहा होता है कि वो अभी गिरी थी, इस वजह से वो अभी सपना देख रही है, जिस वजह से जोंग शियाओ डिसाइड करती है कि वैसे भी रियलिटी में तो जू यांग को मैं कुछ नहीं बता पाती हूँ, तो एटलीस्ट मैं अपने सपने में तो जू यांग के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद जोंग शियाओ भागते भागते जू यांग के पास जाती है और तुरंत ही उसके चीक्स पर उसे किस दे देती है। वे लाओ वांग ये सीन देखने के बाद जोंग शियाओ और जू यांग को स्टाफ रूम में बुलाता है और उन्हें डांटने लग जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने ऐसी चीज़ें करना वो भी स्कूल में बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन जोंग शियाओ को स्टिल ये सपना लग रहा था, जिस वजह से जोंग शियाओ अपने टीचर को ही कह देती है कि सर इतना स्ट्रेस मत लो वरना आपका और भी ज़्यादा हेयर फॉल होगा। जिसके बाद लाओ वांग जोंग शियाओ को और भी ज़्यादा डांटने लग जाता है, जिस वजह से अब जोंग शियाओ बोर होने लग गई थी। जिसके बाद जोंग शियाओ डिसाइड करती है कि वो सपने से निकलने के लिए अपने आप को शॉक देगी। वेल, अपने आप को शॉक देने के लिए जोंग शियाओ तुरंत ही स्टाफ रूम की खिड़की के पास जाती है और वहाँ से कूद जाती है, ये सोच के कि
अगर वो खिड़की से कूदेगी तो ऑफकोर्स उसे झटका लगेगा और वो वापस से होश में आ जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही जोंगशा खिड़की से कूदती है तो यहाँ पर वापस से सीन स्विच आता है, जहाँ पर इस बार जोंगशा हॉस्पिटल में मौजूद थी। जोंगशा यहाँ पर अपने आप को छुट्टी काटने की भी कोशिश करती है और यहाँ पर अब जोंगशा को हल्का हल्का लगने लग जाता है कि वो ये सपना नहीं देख रही है, वो शायद से सच में पास्ट में आ चुकी है। वह यहाँ पर जू यांग जोंगशा से उसकी लगी चोट के दर्द के बारे में पूछने के लिए आता है और साथ ही साथ जोंगशा को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। फिर यहाँ पर रास्ते में जू यांग जोंगशा से कह रहा होता है कि आज तुमने जो कुछ भी करा कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जिस दिन तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो उसके बाद मुझे फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए जो भी तुमने आज इतने सारे लोगों के सामने करा। बट जोंगशा का तो ध्यान जू यांग की बातों में था ही नहीं। जोंगशा सिर्फ यही सोच रही थी कि वह अचानक से पास्ट में 10 साल पीछे कैसे आ गई। कि तभी जोंगशा को याद आता है कि ये सब कुछ तब हुआ जब वो उस आदमी से अपने कैमरे के लिए लड़ रही थी, जिसके बाद जोंगशा समझ जाती है कि शायद से यहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता वही कैमरा हो सकता है। वेल, अब कैमरे के पास पहुँचने के लिए जोंगशा तुरंत ही जू यांग को वहीं पे बाय कह के वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। कि तभी अचानक से आता है टाइम स्विच, जहाँ पर अब रात से पूरा का पूरा दिन हो चुका था और जोंगशा वापस अपने स्कूल में पहुँच चुकी थी। वेल, इसके बाद भी जोंगशा काफ़ी बार कोशिश करती है स्कूल से भागने की, बट जैसी ही जोंगशा भागने की कोशिश करती तो वापस से सीन स्विच हो जाता और जोंगशा एक बार फिर से जो है स्कूल में पहुँच जाती। और ऐसा ही कुछ 5-6 दिन तक चलता रहता है, यानी कि जोंगशा बिना अपने घर पहुंचे 5-6 दिन तक स्कूल में ही रह जाती है। ये सब चीज़ें जोंगशा को काफ़ी अजीब लग रही थी, जिसके बारे में पता करने के लिए जोंगशा जू यांग के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्कूल मुझे मैग्नेटिक पावर के थ्रू अपनी तरफ खींच रहा हो। बट यहाँ पर जू यांग को जोंगशा की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से जू यांग जो है वहाँ से चले जाता है। कि तभी जोंगशा नोटिस करती है कि वो तो स्कूल के बाहर आ चुकी है, यानी कि फाइनली अब वो अपने घर जा सकती है। लेकिन जैसे ही जोंगशा वहां से भागने की कोशिश करती है कि एक बार फिर से सीन स्विच हो जाता है और एक बार फिर से जोंगशा अपनी क्लास में पहुंच जाती है। वेल, अब इस टाइम पर जोंगशा काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और अब ये सोचने में लगी हुई थी शांत माइंड से कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जहाँ पर फाइनली जोंगशा एक चीज़ नोटिस करती है कि जब भी वो जू यांग से दूर जाने की कोशिश कर रही है, तभी तभी जो है ये टाइम स्विच होने में लगा हुआ है। जबकि जब जोंगशा जू यांग के बगल में ही होती है तो उसकी लाइफ बिल्कुल ही नॉर्मली चल रही होती है। यानी कि जोंगशा अगर सीन स्विचिंग को रोकना चाहती है तो इसके लिए जोंगशा को जू यांग के ही नज़दीक रहना पड़ेगा। वेल, अब सब कुछ पता चलने के बाद जोंगशा जू यांग को थोड़ा सा मस्का लगाती है और नोट्स के बहाने जू यांग को अपने घर तक लेके जाती है और फाइनली जोंगशा इतने टाइम बाद अपने घर में पहुंच जाती है। वेल, रूम में पहुंचते ही जोंगशा भागते भागते सबसे पहले कैमरे के पास जाती है और 3-2-1 करते हुए कैमरे को खोलती है, ये सोचते हुए कि शायद से कैमरा खुलते ही वापस से मिरेकल होगा और वो अपने प्रेजेंट लाइफ में पहुंच जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जोंगशा उसी लाइफ में स्टक हो जाती है, यानी कि इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए जोंगशा को कुछ और तरकीब सोचनी पड़ेगी। मतलब जोंगशा की लाइफ काफ़ी हॉरिबल हो जाती है, क्योंकि जोंगशा खाना खाने बैठी ही होती है कि तभी अचानक से जंप आ जाता है। वहीं पर जोंगशा गेम खेलने लगी होती है कि तभी बीच में जंप आ जाता है, या फिर जोंगशा लड़कों को ताड़ रही होती है कि तभी अचानक से जू यांग की वजह से जंप आ जाता है। वेल, जोंगशा इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा पक चुकी थी और सोचने में लगी थी कि वो किस तरह से जू यांग को हमेशा अपने बगल में प्रेजेंट रखे, जिसके बाद जोंगशा को आइडिया आता है और जोंगशा तुरंत ही जू यांग के सामने बिना शर्मिंदगी फील करे प्रपोज कर देती है। बट जू यांग को जोंगशा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से वो साफ साफ जोंगशा को मना कर देता है। वेल, अब नेक्स्ट डे क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट हो रही थी, जहाँ पर जोंगशा चाहती थी जू यांग के साथ डेस्क पार्टनर बनने की। वेल, जोंगशा की किस्मत ख़राब थी, जिस वजह से उसकी पर्ची जू यांग जैसी तो नहीं मिल पाती है। लेकिन जोंगशा जाकर उस पर्सन से रिक्वेस्ट करती है जिसका नाम जू यांग के साथ आया था, और वो पर्सन भी मान जाता है क्योंकि पर्ची एक्सचेंज करने के बदले में जोंगशा उसका काम करने के लिए रेडी थी। और शायद से ये कुली वाला काम जोंगशा को काफ़ी दिन तक करना पड़ता, लेकिन जू यांग समझ जाता है कि जोंगशा ने पर्ची एक्सचेंज करी है, जिस वजह से जू यांग जाकर उस पर्सन से बोल देता है कि जोंगशा अब से तुम्हारा काम नहीं करेगी। वेल, यहाँ पर जू यांग के अच्छे नेचर को देखकर जोंगशा जू यांग को अपनी सारी दिल की बात बता देती है कि वो इसलिए जू यांग के साथ रहना चाहती है क्योंकि जब जब वो जू यांग से अलग हो रही है तो उसकी लाइफ में स्वैपिंग आ रही है, तो वो स्वैपिंग नहीं करना चाहती बार बार अपनी लाइफ में। साथ साथ जोंगशा जू यांग को ये भी बता देती है कि वो फ्यूचर से आई है और एक्चुअली में उसकी एज 27 है।
वेल वैसे तो जू यांग जोंग शाओ की बातें बिल्कुल ही ध्यान से सुनने में लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही जोंग शाओ अपना खत्म करती है तो जू यांग जोंग शाओ से कहता है कि तुम्हें एक बार अपना माइंड का चेकअप करवाना चाहिए क्योंकि तुम बहकी बहकी बातें करने में लगी हुई हो। यानी कि जू यांग को जोंग शाओ की बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हुआ। वेल इसके बाद जोंग शाओ का ये मानना था कि वो जू यांग के साथ बैठेगी तो उसकी लाइफ अच्छी जाएगी, बट इसके बाद तो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि जू यांग जो है बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं था। वो ना ही जोंग शाओ को कुछ पढ़ाता, ना ही जोंग शाओ की हेल्प करता, इवन दोनों के बीच में जो है हमेशा लड़ाई ही होती रहती। वेल अब एक दिन जू यांग थोड़ा सा स्कूल में लेट आता है, जहाँ पर जोंग शाओ देखती है कि बारिश की वजह से जू यांग के हाथ मिट्टी से गंदे हो गए हैं, जिसके लिए जोंग शाओ हाथ पोछने के लिए जू यांग को टिश्यू पेपर देती है। वेल यहाँ पर जोंग शाओ नोटिस करती है कि जू यांग ने अपने हाथ ढंग से साफ नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से जोंग शाओ खुद भी जू यांग का हाथ साफ करने की कोशिश करती है। बट इससे पहले कि जोंग शाओ जू यांग को टच कर पाती, जू यांग जोंग शाओ के सामने काफ़ी रूडली पेश आता है और जोंग शाओ से कहता है कि मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद जू यांग वहाँ से खड़े होकर निकल जाता है। वेल यहाँ पर जोंग शाओ को जू यांग का नेचर काफ़ी बुरा लगा था और वो यही सोच रही थी कि पता नहीं क्यों मैं इसको बचपन में पसंद करती थी। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जू यांग वॉशरूम में बैठकर अपना हाथ साफ कर रहा था, जहाँ पर उसकी शोल्डर में जो है काफ़ी सारे मारने के निशान थे, जैसे कि मानो कोई उसे मार रहा हो। और यही मेन रीज़न था शायद से कि क्यों जू यांग जोंग शाओ से दूर रहना चाहता था, अदरवाइज जोंग शाओ को जू यांग के बारे में पता चल जाएगा कि किसी ने उसको मारा। वेल अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दिन जोंग शाओ कुछ बच्चों के मुँह से सुनती है कि कैंटीन में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, जिस पर जोंग शाओ को पास्ट का याद आता है कि कैंटीन में वर्क करते टाइम जो है जू यांग को चोट लगी थी, जिस चीज़ की चेतावनी देने के लिए जोंग शाओ जू यांग के पास जाती है और उसे वॉर्न करती है कि वो कैंटीन ना जाए, अदरवाइज उसे चोट लगेगी। जू यांग को लगता है कि जोंग शाओ ऐसी ही फालतू की बातें कर रही है, पर अब भले ही जोंग शाओ जू यांग को इतना अच्छा नहीं मानती हो, लेकिन स्टिल जो है कुछ फीलिंग जू यांग के लिए जोंग शाओ के मन में स्टिल थी, जिस वजह से जैसे ही जू यांग के ऊपर सामान गिरने वाला था कि तभी सही टाइम पे जोंग शाओ वहाँ पर आकर जू यांग को धक्का दे देती है और उसके ऊपर गिर जाती है। वेल अब भले ही दोनों में से किसी के ऊपर सामान नहीं गिरता है, लेकिन खड़े होते टाइम जोंग शाओ नोटिस करती है कि जू यांग के गले में काफ़ी गहरा निशान है, मानो कि किसी ने उसे मारा हो। और इसके बाद जोंग शाओ और भी दो तीन बार नोटिस करती है कि जैसे कि जू यांग के शोल्डर में दर्द हो रहा है, साथ साथ खेलते टाइम जो है चेस्ट में पेन हो रहा है। और एज अ अच्छी फ्रेंड होने के नाते जोंग शाओ इस बारे में बात करने के लिए जू यांग के पास जाती है और उसे कहती भी है कि अगर तुम्हें बाई चांस कोई बुली कर रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो इस बारे में, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। बट जू यांग जोंग शाओ से कुछ भी शेयर नहीं करता कि उसे ये चोटें कहाँ से आई है। मतलब इसके बाद जोंग शाओ और जू यांग क्लास में जाते हैं, जहाँ पर आज टीचर सभी बच्चों को वर्क देता है कि सभी बच्चों को अपने अपने डेस्कमेट के घर जाना है और ये पता करके आना है कि उनका बिहेवियर उनके पेरेंट्स के साथ कैसा है, और इस चीज़ का जो है उन्हें एक रिकॉर्डिंग और नोट भी रेडी करना है। मतलब जोंग शाओ अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती थी, जिस वजह से जोंग शाओ आज जू यांग के घर जाती है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, जहाँ पर जोंग शाओ देखती है कि जू यांग के फादर काफ़ी अच्छे नेचर के हैं और हंस हंसकर जू यांग से भी बात करा करते हैं। वेल अब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जोंग शाओ भी उन्हें ज्वाइन करती है और उनके साथ डिनर करती है। वेल अब रात हो चुकी थी, जिस वजह से जोंग शाओ थोड़ी देर में अपने घर के लिए निकल जाती है कि तभी अचानक से जोंग शाओ को याद आता है कि वो अपना कैमरा तो जू यांग के घर में ही भूल गई, जिसके बाद एक बार फिर से जोंग शाओ को भाग भाग कर जू यांग के घर में जाना पड़ता है, जहाँ पर जू यांग के फादर गेट खोलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली। फिर जोंग शाओ जू यांग के फादर से कुछ नहीं कहती, बस सिर्फ और सिर्फ अपना कैमरा मांगती है, जिसके बाद जू यांग के फादर जोंग शाओ को गेट पर से ही उसका कैमरा पकड़ा देते हैं और जोंग शाओ से ये झूठ कहते हैं कि जू यांग गेम खेलने के लिए गया है अपने दोस्तों के घर में। वेल ऑफ कोर्स इस टाइम पर जोंग शाओ को जू यांग के फादर की कही हुई बात सही लगती है, बट थोड़ी देर बाद जोंग शाओ को याद आता है कि रात में कौन गेम खेलने जाता है, और साथ ही साथ जोंग शाओ को याद आता है कि उसने रूम में टूटा हुआ कांच का टुकड़ा भी देखा था, और साथ ही साथ एक दिन जू यांग ने जोंग शाओ को ये भी कहा था बातों बातों में कि उसके फादर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर काफ़ी अपना जो है आपा खो देते हैं। जोंग शाओ अचानक से नोटिस करती है कि वो तो अपना कैमरा ऑफ करना भूल ही गई थी, जिसके बाद जब जोंग शाओ वापस से सारी वीडियो प्ले करती है तो वो नोटिस करती है कि उसके जाने के बाद जू यांग के फादर ने जू यांग को काफ़ी ज़्यादा मारा था, और ये सब कुछ अब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था, और जू यांग की सच्चाई भी जोंग शाओ को मालूम पड़ गई थी कि क्यों जू यांग के हाथ पैरों में निशान पड़े रहते हैं, कि जोंग शाओ को अब मालूम पड़ गया था कि जू यांग की बॉडी में निशान कहाँ से आते हैं, जिसके बाद जोंग शाओ तुरंत ही जू यांग को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर जू यांग एक पार्क में बैठा हुआ था। वेल जोंग शाओ जू यांग के पास जाकर साफ साफ कह देती है कि मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया है, तुम मुझसे कुछ छुपाने की अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है।
जिसके बाद जोंगशा जुयांग से क्वेश्चन करती है कि तुमने कभी आवाज उठाने की कोशिश क्यों नहीं करी, जिस पर जुयांग का मानना था कि आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली में इन सब चीज की शुरुआत हुई थी जुयांग की मॉम के साथ। वेल, जुयांग के फादर ड्रिंक करते और अपनी वाइफ को मारते, जहां पर शुरुआत में जुयांग को काफी बुरा लगता क्योंकि उसकी मॉम पिट रही है, जिसके चलते जुयांग अपनी मॉम से कहता भी है कि मॉम आप यहां से चली क्यों नहीं जाती हो, जिस पर जुयांग की मॉम बस इतना कहती कि तुम चिंता मत करो, डैड ने वादा किया अगली बार से वो ऐसा नहीं करेंगे। पर ऐसा वो दिन कभी आया ही नहीं। हमेशा जुयांग के फादर ड्रिंक करके आते और फिर अपनी वाइफ को काफी ज्यादा मारते। एक बार तो इवन जुयांग की मॉम जो है अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने तक का भी डिसीजन ले ली थी, जिस पर जुयांग के डैड वापस से रोने लग जाते और अपनी वाइफ से भीख मांगते कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन फिर वही बात है, अगले दिन वापस से ड्रिंक करने के बाद जुयांग के फादर वापस से नशे में आ जाते और एक बार फिर से अपनी वाइफ को ढंग से मार लेते। और ये सब कुछ काफी टाइम तक चलता रहता है, जहां पर अब जुयांग भी थोड़ा बड़ा हो गया था, जिसके चलते वो अपनी मॉम का पिटता हुआ नहीं देख सकता था। जिसके बाद जुयांग अपने फादर के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी मॉम को मत मारे, अगर आपको गुस्सा उतारना है तो आप मुझ पर उतार सकते हो। और गेस व्हाट, यहां पर भी जुयांग के फादर को बिल्कुल शर्म नहीं आती है, जिसके बाद से वो बिना शर्माए है अपने बेटे को मारना शुरू कर देते हैं। जुयांग जोंगशाओ को आगे बताता है कि अब उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि जल्द से जल्दी पढ़ाई खत्म करने के बाद यहाँ से अपनी मॉम को लेके दूर चले जाए वो। लेकिन ऑफ कोर्स अभी भी जुयांग को मालूम है कि उसे अपनी स्टडीज कंप्लीट करने में 1 साल 35 डेज बाकी है। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि जुयांग एक एक दिन को गिनने में लगा हुआ है, यानी कि जुयांग का एक एक दिन कितना ज्यादा टफ होता जा रहा है। वेल, जब जोंगशाओ ये सब कुछ जुयांग को बताने में लगा हुआ था, तो तब जोंगशाओ के मन में जुयांग के लिए काफी रिस्पेक्ट आ जाती है, क्योंकि जो पर्सन सभी के लिए इंस्पिरेशन है, क्लास का ब्राइट स्टूडेंट है, एक्चुअली में वो अंदर से कितना टूटा हुआ है। वेल, अब नेक्स्ट डे पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, जहाँ पर जोंगशाओ और जुयांग को छोड़ के सबके पेरेंट्स आए हुए थे, क्योंकि जोंगशाओ के पेरेंट्स तो दूर रहते हैं और जुयांग की मॉम काम में बिजी है, और वहीं पे जुयांग के फादर तो आने लायक है नहीं। पर गेस व्हाट, टीचर आते हैं और सभी लोगों के सामने अनाउंस करते हैं कि आज हमने एक स्पेशल फादर को बुलाया हुआ है, और गेस व्हाट, वो स्पेशल फादर और किसी की नहीं, जुयांग के फादर थे। वेल, जुयांग के फादर आते ही सभी लोगों के सामने अपनी बड़ाई करवाने लग जाते हैं, जैसे कि बोलने लग जाते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए क्योंकि बच्चे हमसे सीखते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें अपने बच्चों को फ्रीली छोड़ देना चाहिए। मैंने आज तक कभी भी जुयांग को जो है टाइटली बांधा नहीं है, उसे जो करना होता है उसे करने देता हूं, और साथ ही साथ मैं कभी भी जुयांग से ज्यादा बातें भी नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ये मालूम रहता है कि जुयांग क्या कर रहा है। और देख सकते हो आप लोग, एज अ रिजल्ट जुयांग काफी अच्छा है पढ़ने में। जिस टाइम पर जुयांग के फादर अपनी बड़ाई करने में लगे हुए थे, उस टाइम पर जुयांग अंदर ही अंदर गुस्से में आ रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स जुयांग को ही अपने फादर की असलियत मालूम है। वेल, यहां पर जोंगशाओ भी जुयांग के गुस्से को नोटिस करती है और तुरंत ही जुयांग के हाथ को पकड़ लेती है ताकि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। वेल, अब ऐसी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी बीत जाती है, जिसके बाद नेक्स्ट डे जोंगशाओ पूरी क्लास में अनाउंस करती है कि नेक्स्ट वीक जो हमें स्टोरी देनी है, तो इस बार हम स्टोरी देने वाले हैं वायलेंस के ऊपर, क्योंकि जरूरी नहीं है वायलेंस एक जगह होता है, क्लास बुलिंग भी वायलेंस के खिलाफ आती है, तो हमेशा जो है हमें वायलेंस के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अक्सर होता यूं है कि विक्टिम्स लोग जो है डर जाते हैं ये सोच के कि कोई हमारी फिक्र नहीं करेगा। बट ऑफ कोर्स विक्टिम्स को जो है अपनी परवाह करनी चाहिए, उन्हें दूसरों से लेना देना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो शांत हो जाते हैं, जिस वजह से जो ये काम कर रहा होता है उनको और भी ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है, जिसके चलते वो ये काम जो है कंटिन्यू करता रहता है। तो जिस दिन विक्टिम अपनी आवाज उठाएगा, तो उस दिन जो है अपने आप ही ऐसे काम करने वाले लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। वेल, जोंगशाओ का ये टॉपिक सभी बच्चों को अच्छा लगता है, जिसके चलते सभी लोग जोंगशाओ की तारीफ करते हैं और उसके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जोंगशाओ ने सिर्फ और सिर्फ ये मुंह की बात कह दी, बल्कि जोंगशाओ जो है इस पॉइंट के थ्रू जो है जुयांग को भी मोटिवेट करती है, जिसके बाद फाइनली जुयांग की मॉम जाकर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देती है। और इस बार भी स्टिल जुयांग के फादर यही कह रहे होते हैं कि तुम मुझे डिवोर्स मत दो, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा। बट जुयांग की मॉम जो है ठान चुकी थी कि वो किसी भी कीमत पर इस बार अपने हस्बैंड को डिवोर्स देके रहेगी। और यहाँ पर इवन जुयांग की मॉम सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे रही थी, बल्कि एक लॉयर भी हायर कर चुकी थी, जिसके चलते अच्छे से जो है जुयांग के फादर को इस बार सजा मिलने वाली है अपने कामों की। वेल, अब अपने फादर से फ्री होने के बाद जुयांग सबसे पहले तो जोंगशाओ को थैंक यू कहता है, क्योंकि जोंगशाओ की वजह से जुयांग को इतनी हिम्मत आई। साथ साथ जुयांग अपने आगे की प्लानिंग जोंगशाओ को बताता है कि जुयांग की मॉम ने डिसाइड किया
गया है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करेगी और थोड़ा एक्स्ट्रा कमाकर जो है जुयांग के लिए एक अलग से रूम खरीद लेगी, ताकि जब तक जुयांग की पढ़ाई कंप्लीट ना हो जुयांग आराम से यहाँ पर रह सके। और फिर जैसी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो जुयांग भी अपना कमाने लग ही जाएगा। मतलब सीधा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जोंगशा अपने रूम में मौजूद होती है और सो के उठ रही होती है। वेल जोंगशा यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज थी क्योंकि वो हमेशा वहाँ पे मौजूद होती है जहाँ पर जुयांग मौजूद है। तो आज इतने टाइम बाद जोंगशा अपने रूम में कैसे, कि तभी अचानक से जोंगशा एक जानी पहचानी सी आवाज सुनती है। वेल एक्चुअली में नीचे जो है जुयांग और जुयांग की मॉम आई हुई थी जोंगशा की ग्रैंड मदर से बात करने के लिए। वेल यहाँ पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो जोंगशा की ग्रैंड मदर है। एक्चुअली में वो लोग आए हुए थे जुयांग के लिए रूम लेने के लिए, और यहाँ पर जोंगशा की ग्रैंड मदर उनसे ये कह रही होती है कि यहाँ पर तो अभी कोई रूम खाली नहीं है और ऊपर से मेरी नाती जो है रूम नहीं देगी किसी को भी। लेकिन वेट वेट वेट, जोंगशा जैसी ये बात सुनती है तो तुरंत ही नीचे भागी हुई जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स वो जुयांग के साथ तो रूम आराम से ही शेयर कर लेगी। जिसके बाद जोंगशा जुयांग को अपने रूम में लेके जाती है और जुयांग का रूम जुयांग को दिखा देती है। मतलब इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ, जहाँ पर जोंगशा पानी पीने के लिए उठती है और नींद की हालत में गलती से जुयांग के रूम में चली जाती है। और जैसी सुबह उठती है तो उस टाइम पर जुयांग और जोंगशा एक ही बेड पे सोने में लगे हुए थे। वेल इसके बाद एक और फनी सीन होता है, जब जोंगशा क्लास में जाती है तो काफी नींद की हालात पे थी, जिस पर जोंगशा से एक लड़का पूछने लग जाता है कि आज तुम पिछली रात सोई नहीं थी, जिस पर जोंगशा नींद की हालत में होने की वजह से फ्लो फ्लो में सब कुछ सच बता देती है उसे कि ये सब कुछ जुयांग की गलती है, वो मेरे बालों में चढ़ा पड़ा था। और ऑफकोर्स जोंगशा को भी मालूम नहीं था कि वो क्या बोल रही है, जिसके चलते पूरी क्लास जो है ये लाइन सुन लेती है और सभी लोग जो है जुयांग और जोंगशा को ही घूर रहे होते हैं। वेल अब ड्रामे में आगे एग्जाम शुरू होने वाले थे, जहाँ पर मिड टर्म एग्जाम्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग जोंगशा के नंबर काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, जिसके चलते जोंगशा के फादर से कॉल करते हैं और जोंगशा को वार्न करते हैं कि उसे अपनी पढ़ाई पे अब ध्यान देना चाहिए। साथ साथ जोंगशा के फादर जोंगशा को लालच देते हुए भी कहते हैं कि अगर वो इस बार अच्छा स्कोर करेगी और टॉप 10 में आएगी तो इसके बदले में जोंगशा को जो है कॉन्सर्ट टिकट मिल जाएगी। वेल अब जोंगशा की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, अच्छे से नंबर लाना, ताकि वो कैसे ना कैसे करके अपने फादर से कॉन्सर्ट टिकट ले सके, और अच्छे नंबर लाना नहीं बल्कि टॉप 10 में लाना। लेकिन जोंगशा का तो प्रैक्टिस लेवल बिल्कुल ही जीरो था, जिसके लिए जोंगशा हेल्प लेती है जुयांग की, जहाँ पर ऑब्वियस ही बात है जुयांग मना कर देता क्योंकि बहुत हार्ड है बिल्कुल जीरो से टॉप पे लाना। लेकिन जोंगशा ने भी जुयांग की हेल्प करी थी जुयांग को अपने फादर के खिलाफ आवाज उठाने में, जिसके चलते जुयांग मान जाता है जोंगशा को पढ़ाने के लिए। वेल अब जुयांग लग जाता है जोंगशा को पढ़ाने में, जहाँ पर इवन जुयांग जब फ्री हो रखा होता है क्लासरूम में भी, तब भी वो जोंगशा को ही पढ़ा रहा होता है, जिसके चलते ये सब कुछ चीज़ नोटिस कर रही होती है उसी क्लास की गर्ल्स की टॉपर मेंगरान, जो कि देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो जुयांग को वन साइडेड लव करती थी, जिसके चलते मेंगरान तुरंत ही जुयांग के पास जाती है और कहने लग जाती है कि टीचर ने कहा है कि टॉपर्स को एक दूसरे के साथ स्टडी करनी चाहिए ताकि हमारे स्कोर और भी ज़्यादा बढ़ सके। पर ऑफकोर्स यहाँ पर अभी जुयांग को मालूम था कि उसकी टॉप प्रायोरिटी जोंगशियाओ है, जिसके चलते साफ साफ जो है जुयांग मेंगरान को मना कर देता है। वेल इस चीज़ की वजह से मेंगरान को काफ़ी बेइज्जती फील होती है, जिस वजह से अब मेंगरान जोंगशियाओ से बदला लेना चाहती थी, जिस वजह से जब मैथ्स की क्लास होती है तो मैथ्स के टीचर पूछने लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, जिस पर मेंगरान तुरंत जवाब देती है कि ये क्वेश्चन का जवाब जोंगशियाओ को मालूम है। वेल ऑफकोर्स मेंगरान तो टॉपर थी तो टीचर को मालूम था कि मेंगरान को तो आता ही होगा, तो वही है ना, टॉपर कुछ भी बोले टीचर उन्हें कुछ नहीं बोलता है। जिसके बाद जोंगशियाओ ब्लैक बोर्ड के पास जाती है, लेकिन उसे तो वो सॉल्व करना आता ही नहीं था, जिसके बाद पनिशमेंट के तौर पर जोंगशा को क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता है। वेल अब क्लास खत्म होने के बाद मेंगरान जब बाहर आती है तो जोंगशा को मजाक उड़ाने लग जाती है और कहती है कि मुझे लगा था कि जुयांग ने तुम्हें ये सॉल्व करना सिखा दिया होगा, तुम अगर यही कंप्लीट नहीं कर पाई हो तो तुम टॉप कैसे मारोगी। और एज वी ऑल नो, लड़की ही लड़की से जलती है, जिसके चलते अब जोंगशा और भी अच्छे से ठान चुकी थी कि उसे किसी भी कीमत पे जो है अच्छा स्कोर करना है, ताकि अच्छा स्कोर करने के बाद वो मेंगरान के मुंह पे ढंग से पंच मार सके। वेल इसके बाद जोंगशा सोने के बजाय सीधा उठती है और किताबों में लग जाती है पढ़ने
के लिए, पर इससे होता यूं है कि जब सुबह होती है तो पूरे रास्ते बस में जो है जोंगशा सोते हुए जाती है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू यांग रूम में बैठा हुआ होता है और यहाँ पे किसी से बात कर रहा होता है। एक्चुअली में जू यांग ने किसी को कुछ फोटो सेंड करी हुई होती है, जिसमें से एक फोटो होती है जोंगशा और जू यांग की साथ में। कितने में अचानक से जोंगशा क्वेश्चन पूछने के लिए जू यांग के रूम में अचानक से घुस जाती है, जिस पर जू यांग तुरंत ही अपना लैपटॉप बंद कर देता है। वेल, यहाँ पर जोंगशा को कुछ गड़बड़ सी लगती है, उसे लग रहा होता है कि जू यांग कुछ खराब चीजें देख रहा है, जिस चक्कर में जू यांग ने जो है अपनी स्क्रीन बंद कर दी, जिसके बाद जोंगशा काफी अजीब सी स्माइल करते हुए जू यांग के रूम से निकल जाती है और कहती है कि सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं नॉक करके आऊंगी रूम में। साथ ही साथ जब नेक्स्ट डे दोनों के दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो जोंगशा यहाँ पर भी अपने हिस्से का थोड़ा खाना जू यांग को देती है और कहती है कि तुम्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। वेल, फाइनली डे आ जाता है रिजल्ट का, जहाँ पर जोंगशा सबसे पहले अपना रिजल्ट भागते हुए चेक करके आती है और गेस व्हाट, जोंगशा जो है काफी मेहनत के बाद फाइनली टॉप 10 में आ जाती है। वेल, ऑफ कोर्स जोंगशा के फादर ने जोंगशा को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें कॉन्सर्ट की टिकट देंगे, जिसके बाद जोंगशा दो टिकट्स बुक कर लेती है और एक जू यांग और एक अपने लिए रख लेती है। वेल, शुरुआत में जू यांग साफ साफ मना कर देता है कि मुझे कॉन्सर्ट में नहीं जाना है, लेकिन जोंगशा काफी फोर्स करती है और जू यांग से कहती है कि हमारी कल का डे जो है काफी मेमोरेबल रहेगा, तो तुम्हें प्लीज चलना चाहिए। पर शायद से जू यांग को मालूम था कि मेमोरेबल कुछ नहीं रहने वाला है, कॉन्सर्ट में जाने के लिए इन्हें काफी आफत होने वाली है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। जोंगशा और जू यांग जब कॉन्सर्ट में जा रहे होते हैं तो वो बस इतनी ज्यादा भरी हुई होती है कि इन्हें दब दब के जाना पड़ता है, और सबसे खराब तो ये होता है कि ये इतनी मेहनत से कॉन्सर्ट की लोकेशन में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जाकर जोंगशा को मालूम पड़ता है कि उसकी टिकट तो गुम हो चुकी है, जिसके बाद जू यांग जोंगशा से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी टिकट ले लो और तुम मेरी टिकट के थ्रू जो है कॉन्सर्ट देख के आ जाओ, मैं तब तक बाहर रहूंगा। बट जब जू यांग भी अपनी टिकट ढूंढने लगता है तो गेस व्हाट, जू यांग की भी टिकट जो है गुम हो चुकी होती है। वेल, बेचारी जोंगशा जिसने टिकट के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करी, इवन कॉन्सर्ट हॉल तक आने के लिए भी धक्के खा खा कर आने पड़े, लेकिन एट दी एंड जोंगशा की टिकट ही गायब हो गई। वेल, यहाँ पर जोंगशा गार्ड से रिक्वेस्ट भी करती है कि एटलीस्ट गार्ड लोग जोंगशा और जू यांग को गेट पर खड़ा होने दे, ताकि गेट से ही जो है जोंगशा और जू यांग कॉन्सर्ट का फील ले सके, लेकिन गार्ड जोंगशा को इस चीज के लिए भी साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद जोंगशा को निराश होकर हॉल से बाहर आना पड़ता है। वेल, भले ही यहाँ पर जोंगशा कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन जू यांग को मालूम था कि थोड़ा बहुत तो जोंगशा को दुख है ही है, जिसके बाद जू यांग को अचानक से आइडिया आता है। जैसा कि हमें मालूम है कि जहाँ कहीं पे भी गाने बज रहे होते हैं कॉन्सर्ट के, तो ये सारे के सारे गाने उस टाइम पर रेडियो एफएम में भी बज रहे होते हैं, जिसके चलते जू यांग तुरंत ही रेडियो एफएम ऑन करता है और लीड की एक साइड जोंगशा के कानों में लगाता है और दूसरी साइड अपने कानों में लगाता है, और फिर उसके बाद दोनों के दोनों वहां पर बैठ के गाने सुनने लग जाते हैं। मतलब घर जाने के बाद जोंगशा अपनी ग्रैंडमा से बात कर ही रही होती है कि इतने में अचानक से जोंगशा को मालूम पड़ता है कि जू यांग कोचिंग क्लास लेने के लिए गया हुआ है, जिसे सुनते ही जोंगशा पहले नॉर्मल रिएक्ट करती है, लेकिन बाद में अचानक से जोंगशा को याद आता है कि जू यांग अगर उससे इतना दूर गया हुआ है तो जोंगशा यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि जोंगशा को भी मालूम है कि अगर जू यांग उससे थोड़ा भी दूर चले जाता है तो जोंगशा जो है टाइम स्केप कर लेती है। मतलब सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम क्लास के दौरान देखते हैं कि जू यांग की कॉपी के अंदर ग्रुप फोटो मौजूद थी, जहाँ पर जू यांग काफी देर से उस फोटो में जोंगशा को ही नोटिस करने में लगा हुआ था कि थोड़ी देर में जू यांग की क्लास की छुट्टी हो जाती है, जहाँ पर जू यांग का बाहर जोंगशा वेट कर रही थी। वेल, जू यांग के क्लास से बाहर आते ही जोंगशा जू यांग से क्वेश्चन करने लगती है कि क्या उसने इस बीच में कुछ ऐसा काम करा है जो उसने अभी तक ना करा हो, लेकिन जू यांग को जोंगशा की कोई भी बात समझ नहीं आती है, जिसके चलते जोंगशा को कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाता कि तभी अचानक से जोंगशा जू यांग की कॉपी के अंदर ग्रुप फोटो देख लेती है। वेल, यहाँ पर भले ही जू यांग पूरे टाइम उस फोटो में जोंगशा को नोटिस कर रहा था, लेकिन जोंगशा को ये बात समझ नहीं आती है, जिसके चलते जोंगशा को ये लगता है कि जू यांग शायद से मेंगरान को लाइक करता है, जिसके चलते जू यांग इस फोटो के थ्रू मेंगरान को देख रहा था। वेल, अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर जोंगशा स्टिल इसी कन्फ्यूजन में थी कि जू यांग ने ऐसा क्या करा होगा जिसके चलते जोंगशा टाइम स्केप नहीं कर पाई। कितने में जोंगशा को याद आता है कि उस फोटो में जोंगशा भी प्रेजेंट थी, जिसके बाद जोंगशा
उषा हल्का हल्का समझ जाती है कि शायद से जूयांग भले ही मेंगरान को देख रहा था, लेकिन ऑफकोर्स जूयांग की नजर एक न एक बार तो चांगशाओ पर पड़ी रही होगी। वेल चांगशाओ को मालूम पड़ गया था टाइमस्केप रोकने की तरकीब, जिसके चलते चांगशाओ तुरंत ही अपनी एक दो फोटो जूयांग की नोटबुक के अंदर डाल देती है, जिसकी खबर जूयांग को बिल्कुल भी नहीं थी। जिस वजह से जब नेक्स्ट डे जूयांग से कोई उसकी नोटबुक मांगता है तो जूयांग बिना सोचे समझे उसे अपनी नोटबुक पकड़ा देता है। लेकिन ऑफकोर्स जैसे ही वो स्टूडेंट जूयांग की नोटबुक खोलता है तो उसके अंदर उसे चांगशाओ की फोटोज दिख जाती है, और जिसके बाद वो स्टूडेंट तुरंत ही हूटिंग करने लग जाता है और जूयांग से पूछने लगता है कि तुमने चांगशाओ की फोटो अपनी नोटबुक में क्यों रखी हुई है। वहीं पे दूसरी तरफ जूयांग सिर्फ और सिर्फ चांगशाओ को देख रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि ये सारा उल्टा सीधा काम चांगशाओ का ही करा हुआ होगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में आज चांगशाओ की बारी थी क्लासरूम की सफाई की, जिसके चलते चांगशाओ थोड़ा क्लास से लेट जाती है, और जैसी क्लास की सफाई करने के बाद स्टाफ रूम में एंटर करती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेंगरांग स्टाफ रूम से पेपर्स चुरा रही है। वेल यहाँ पर चांगशाओ मेंगरान को देख चुकी थी क्वेश्चन पेपर चुराते हुए, लेकिन स्टिल चांगशाओ मेंगरान को कुछ नहीं कहती और वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे मेंगरान चांगशाओ के पास जाती है और चांगशाओ के साथ काफ़ी अच्छा पेश आती है, और साथ साथ मेंगरान चांगशाओ से कहती भी है कि उसने कल जो कुछ भी देखा वो ये बात जूयांग को ना बताए। लेकिन चांगशाओ भी ऐसी लड़कियों में से नहीं थी। चांगशाओ सीधा सीधा मेंगरान के मुँह पे बोल देती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कर रही हो, और ना ही मुझे आदत है ऐसी बातें फैलाने की। मेंगरान इतनी ज़्यादा सीधी नहीं थी। वेल जैसी चांगशाओ क्लास की छुट्टी के बाद घर के लिए निकल रही होती है तो रास्ते में दो लड़कियाँ और एक लड़के जो है चांगशाओ का रास्ता रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें मेंगरान ने भेजा हुआ था चांगशाओ को पीटने के लिए। वो तीनों के तीनों चांगशाओ को धमकी देने लगते हैं कि अगर चांगशाओ ने मेंगरान की बात किसी को भी बताई तो ऑफ कोर्स वो तीनों के तीनों चांगशाओ को ढंग से कूट देंगे। वेल उन तीनों से बचने के लिए चांगशाओ के माइंड में एक आइडिया आता है, जिसके बाद चांगशाओ तुरंत ही उनसे कहने लग जाती है कि क्या तुम शेलिन को जानते हो, अगर तुम लोगों ने मुझे पीटा तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी कंप्लेन शेलिन से कर दूंगी। वेल यहाँ पर चांगशाओ शेलिन नाम के किसी भी पर्सन को नहीं जानती थी। इवन चांगशाओ को ये तक नहीं मालूम था कि शेलिन नाम का पर्सन यहाँ पर एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। लेकिन गेस व्हाट, चांगशाओ को तुक्का सही चले जाता है, वो लोग शेलिन को जानते थे, जिसके बाद उन्हें लगने लगता है कि शायद से चांगशाओ शेलिन की गर्लफ्रेंड है, जिसके चलते वो तुरंत के तुरंत चांगशाओ को वहाँ से जाने देते हैं। वेल यहाँ ऑफकोर्स चांगशाओ ने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जैसे ही शेलिन को मालूम पड़ता है कि किसी चांगशाओ नाम की लड़की ने खुद को शेलिन की गर्लफ्रेंड बताया है, जिसके चलते नेक्स्ट डे चांगशाओ के सामने कुछ लड़के आते हैं जो कि चांगशाओ को उनके साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि चांगशाओ को शेलिन ने बुलाया हुआ है। शेलिन भी देखना चाहता है कि एक्चुअली में उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि अभी तक शेलिन ने खुद से नहीं बनाई है, वो दिखती कैसी है। शेलिन चांगशाओ को मिलने के लिए बुलाता है और चांगशाओ को देखते ही गुस्से में कहता है कि अच्छा तुम हो वो लड़की जो मेरी गर्लफ्रेंड हो, जिसको मैंने तक नहीं देखा अभी तक। वहीं पर दूसरी तरफ पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी थी कि कुछ बदमाश लड़के चांगशाओ को अपने साथ लेके गए हुए हैं, और इन्हीं गॉसिप्स के चक्कर में जूयांग तक भी ये न्यूज़ पहुंच जाती है, जिसके बाद जूयांग तुरंत ही वहां से भागता है चांगशाओ को बचाने के लिए। लेकिन सीन तो कुछ और ही चल रहा था। चांगशाओ बिल्कुल ही निडर होकर शेलिन के सामने खड़ी थी और शेलिन पूरी कोशिश कर रहा था चांगशाओ को डराने की। मेरे यहाँ पर शेलिन चांगशाओ से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें माफ करा तुम्हारी गलती पर, लेकिन इसके बदले में कुछ टाइम के लिए तुम्हें मेरा भाई बन के रहना पड़ेगा और मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन चांगशाओ भी निडर थी, जिसके चलते चांगशाओ शेलिन के मुंह पे कह देती है कि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली हूँ। वेल चांगशाओ का ये एटीट्यूड देखकर शेलिन को काफी हर्ट फील होता है, क्योंकि एक तो वो चांगशाओ को डराने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से चांगशाओ बिल्कुल निडर होकर खड़ी है वहां पर। वेल इसके बाद शेलिन चांगशाओ को थोड़ा डराने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा शेलिन का ही पोपट बन जाता है। शेलिन जैसे ही चांगशाओ को डराने के लिए डेस्क से खड़े होता है कि तभी अचानक से गलती से शेलिन फाट कर देता है, और ऑफ कोर्स चांगशाओ तेज तेज हंसने लग जाती है। इसके बाद चांगशाओ शेलिन के करीब जाती है और शेलिन की मासूमियत देखते हुए शेलिन का पीठ थपथपाते हुए कहने लगती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी। वेल यहाँ पर चांगशाओ शेलिन के करीब थी ही थी कि तभी अचानक से वहाँ पर जूयांग आकर चांगशाओ को शेलिन से दूर कर देता है। वेल यहाँ पर जिस तरह से जूयांग ने रिएक्ट करा, इसके अकॉर्डिंग शेलिन को ये लगता है कि जूयांग चांगशाओ का बॉयफ्रेंड है, जिसे चेक करने के लिए शेलिन जूयांग से पूछता है कि क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो।
वेल, ये बात सुनते ही दोनों के ही बीच में ऑकवर्डनेस आ जाती है और जोंगशा साफ साफ बोल देती है कि नहीं, ये मेरा नॉर्मल क्लासमेट है। वेल, अब जुयांग के आने की वजह से शेलिंग खुद ही क्लासरूम से बाहर चले जाता है और जाने से पहले जोंगशा को एक बार फिर से उसका प्रॉमिस रिमाइंड करवाता हुआ जाता है। वेल, इस इंसिडेंट की वजह से बहुत सारे लड़के बारी बारी से जोंगशा के क्लासरूम में आ रहे थे और गेट से जोंगशा को देख कर कह रहे थे कि यही है शेलिन की गर्लफ्रेंड। वेल, ऑफकोर्स ये चीजें जुयांग भी नोटिस कर रहा था, जहाँ पर जुयांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि जोंगशा को कोई देखे, जिसके चलते जुयांग तुरंत ही जोंगशा के सामने खड़े हो जाता है और जोंगशा को ब्लॉक कर देता है ताकि कोई भी जोंगशा की तरफ ना देख सके ढंग से। वेल, नेक्स्ट सीन में जोंगशा स्टाफ रूम में जाती है जहाँ पर शेलिन भी मौजूद था। वेल, यहाँ पर लास्ट टाइम जोंगशा खिड़की से कूदी थी, जिसके चलते टीचर ने जोंगशा को अपोलॉजी लेटर लिखने के लिए दिया था। वेल, यहाँ पर टीचर जोंगशा को समझाते हैं कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो स्कूल वालों पे भी केस हो जाता और साथ साथ तुम्हारी जान को भी रिस्क होता। लेकिन इतने प्यार से समझाने के बाद भी जोंगशा अपने टीचर की बात नहीं सुनती और अपने मन में ही बड़बड़ाने लग जाती है कि पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती है ही नहीं। और ऑफकोर्स जोंगशा कुछ इस तरह से बढ़ाती है कि सर भी जोंगशा की बातें सुन लेते हैं और फिर होना क्या था, सर जोंगशा पे एक बार फिर से चिल्लाने लगते हैं और जोंगशा से कहते हैं कि तुम अपना लेटर पढ़ के सुनाओ मुझे। और अब आप लोग खुद ही सोचो कि जोंगशा ने क्या लिखा होगा लेटर में। वेल, जोंगशा ने एक बार भी टीचर से माफी नहीं मांगी थी उस लेटर में, उल्टा जोंगशा ने अपने सर की कंप्लेंट करी हुई थी कि जोंगशा के सर ऐसी किसी को भी डांटने में लगे रहते हैं बेचारे बेचारे लोगों को, और जो खराब लोग हैं उन्हें ऐसे खुला छोड़ देते हैं, खराब लोग हमें बुली करते रहते हैं और सर उन्हें कुछ भी नहीं कहते। वेल, एक तो जोंगशा ऐसी बातें कर रही थी जिसके चलते सर का पारा हाई हो जाता है, साथ ही साथ शेलिन भी ये लेटर सुनकर काफी ज्यादा हंसने लगता है और जोंगशा के सपोर्ट में वहीं पे क्लैपिंग करता है। वेल, शेलिन स्कूल का काफी खराब बच्चा था जिसके चलते अब सर का पारा और भी हाई हो जाता है, जिसके बाद सर जोंगशा और शेलिन दोनों को स्टाफ रूम के बाहर खड़े होने का पनिशमेंट देते हैं। लेकिन बाहर जाने के बाद भी स्टिल शेलिन जोंगशा की तारीफ करने में लगा रहता है, जहाँ पर शेलिन जोंगशा से कहता है कि वो कितनी ज्यादा ब्रेव है, वो कमजोर लोगों का सपोर्ट कर रही है और उल्टा बुरे लोगों के खिलाफ खड़ी है। जब जोंगशा और शेलिन आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में वहां पर जुयांग आता है और स्टाफ रूम में जाकर टीचर से कुछ बात करता है और स्टाफ रूम के बाहर निकलते ही जोंगशा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वेल, यहाँ पर ऑफकोर्स जुयांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जोंगशा शेलिन से बात कर रही है, जिसके चलते जुयांग जोंगशा को इग्नोर करता हुआ आगे निकल जाता है। लेकिन स्टिल जोंगशा जुयांग को रोकती है और पूछती है कि तुमने टीचर से क्या कहा, जिस पर जुयांग जोंगशा को रिप्लाई करता है कि जोंगशा ऑलरेडी मैथ्स में खराब है, तो ऑफकोर्स अभी मैथ्स की क्लास होने वाली है तो जोंगशा को क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। वेल, अब आगे जोंगशा और शेलिन की नजदीकियां देख जुयांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके बाद जुयांग अपने दोस्त से पूछने लग जाता है कि अगर कोई लड़के किसी लड़के के क्लोज जाए और उसकी हेल्प भी करे और साथ ही साथ जो है हमेशा उसका काम करे तो इसका मतलब क्या होता है, जिस पर जुयांग का फ्रेंड उसे बताने लगता है कि इसका मतलब शायद से वो लड़की उस लड़के को पसंद करती है और शायद से बहुत जल्द अप्रोच करने भी वाली है। और फिर ये बात सुन के जुयांग की तो बहुत बुरी वाली चलती है। वेल, इवन घर पहुंचने के बाद भी जुयांग सिर्फ और सिर्फ जोंगशा और शेलिन के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी अचानक से जुयांग की लगी हुई आग को जोंगशा और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जहां पर जोंगशा आधी रात को घर से बाहर जा रही होती है, वो भी किस लिए, शेलिन से मिलने के लिए। वेल, यहाँ पर शेलिन जोंगशा से मिलने के लिए आया हुआ होता है उसके घर के पास, और वो भी ये कहने के लिए कि तुम कल मेरे लिए ब्रेकफास्ट में ये चीजें लेके आ जाना। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ शेलिन जोंगशाओ के लिए मिल्क शेक भी लेके आया हुआ होता है, जो कि जोंगशाओ का काफी फेवरेट था, और दूर खड़ा जुयांग सिर्फ और सिर्फ इसे देखकर और भी ज्यादा अंदर से जल रहा था। वेल, जुयांग की आग हल्की सी बढ़ी ही थी कि नेक्स्ट डे भी जोंगशाओ की क्लास में शेलिन आता है और जोंगशाओ से अपना टिफिन लेके जाता है, और ये नजारा जुयांग और जुयांग का फ्रेंड देखने में लगे हुए थे, जहां पर जुयांग का फ्रेंड जुयांग से कहता है कि कल जिस लड़की की तुम बात कर रहे थे वो जोंगशाओ तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जोंगशाओ शेलिन को लाइक करती है। वेल, नेक्स्ट सीन में स्पोर्ट्स पीरियड था, जहां पर टीचर सभी को सिटअप मारने के लिए कहते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा सिटअप शेलिन ने मारे थे और वहीं पे
सेकंड नंबर पे जू यांग ने। वेल वैसे तो जू यांग को सेकंड पोजीशन भी इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन जब शेलिन के सामने कंपटीशन की बात आए तो ऑफ कोर्स जू यांग को तो फर्स्ट ही आना था, जिसके बाद जू यांग टीचर से कहने लगता है कि मुझे एक और बार सेटअप मारना है। और ऑफ कोर्स जू यांग अगर सेटअप मार रहा है तो शेलिन क्यों पीछे हटे, जिसके बाद जू यांग और शेलिन एक बार फिर से सेटअप मारना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कभी शेलिन आगे हो जाता तो फिर कभी जू यांग आगे हो जाता और सभी लोग खड़े होकर ये नज़ारा देखने में लगे रहते और जू यांग और शेलिन को सपोर्ट करते रहते। इवन यहाँ पर ये नज़ारा देखते देखते जू यांग का फ्रेंड कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है कि जोंग शाओ का एक्स और जोंग शाओ का करंट बॉयफ्रेंड एक दूसरे से कम्पीट करने में लगे हुए हैं, जो कि जोंग शाओ सुन लेती है और तुरंत ही उस बच्चे को मारना शुरू कर देती है। वेल जू यांग और शेलिन का तो कॉम्पिटिशन चलता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद एक पॉइंट पर आकर दोनों के दोनों रुक जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया हुआ था जो कि आज तक ना ही कोई बना पाया है और ना ही कभी कोई बना पाएगा, क्योंकि लोगों के पास जोंग शाओ थोड़ी ना होगी। वेल अब कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद शेलिन जोंग शाओ के पास जाता है और जोंग शाओ से डेट पर जाने की रिक्वेस्ट करता है। वेल यहाँ पर शेलिन का मानना ये था कि जोंग शाओ एक बार सिर्फ और सिर्फ डेट करे शेलिन को, ताकि शेलिन को थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए कि डेट होता क्या है और डेट में लोग क्या करते हैं, और इसके बदले में शेलिन जोंग शाओ से अब बाकी के काम नहीं करवाएगा। और ऑफ कोर्स बेचारी हमारी नादान जोंग शाओ, उसको तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि शेलिन उसे डेट पे क्यों ले जाना चाहता है। जोंग शाओ को तो बस अपने काम से छुटकारा चाहिए था, जिसके चलते जोंग शाओ शेलिन के साथ डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद थोड़ी देर में जोंग शाओ को जू यांग बुला लेता है, जहाँ पर जोंग शाओ जू यांग के पास जाकर उसके दर्द के बारे में पूछती है कि कहीं उसे स्टमक में पेन तो नहीं हो रहा इतने सिटअप मारने के बाद। लेकिन जू यांग जोंग शाओ के सामने अपनी कमजोरी थोड़ी ना दिखाएगा, जिसके चलते जू यांग जोंग शाओ से कहता है कि नहीं, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ। लेकिन इसके बाद जू यांग पीछे मुड़ते ही जो है अजीब सी शक्ल बना लेता है, क्योंकि जू यांग को सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वेल अब रात के टाइम पर जोंग शाओ अपने कमरे में बैठकर कपड़े सेलेक्ट कर रही थी कल के डेट के लिए, जिसे जू यांग भी नोटिस कर लेता है और जोंग शाओ से पूछने लगता है कि कल कुछ स्पेशल है क्या जो तुम कपड़े सेलेक्ट कर रही हो, जिस पर जोंग शाओ बिना कुछ सोचे समझे जू यांग को सब सच बता देती है कि वो कल शेलिन के साथ डेट पर जाने वाली है। और फिर होना क्या था, जू यांग चाहता था जोंग शाओ के साथ डेट पर जाना, लेकिन जोंग शाओ तो शेलिन के साथ डेट पर जा रही है, जिस पर जोंग शाओ के हाथों में जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रीटी थे, लेकिन जू यांग जोंग शाओ से कहता है कि ये कपड़े गंदे हैं। और ये जू यांग ने इसलिए कहा था ताकि जोंग शाओ ज्यादा स्मार्ट बन के शेलिन के पास ना जाए। वेल अब नेक्स्ट डे फाइनली आ जाता है, जहाँ पर जोंग शाओ शेलिन से मिलने के लिए जाती है पार्क के पास। वेल यहाँ पर शेलिन इतना गंदा बन के आया होता है, वो तो चाहता था जोंग शाओ को इम्प्रेस करना, लेकिन जोंग शाओ को शेलिन का लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वैसे भी जोंग शाओ शेलिन के बारे में ज्यादा नहीं सोचती है, क्योंकि ऑफकोर्स उसको तो बस यही लग रहा था कि शेलिन एक बार डेट का एक्सपीरियंस लेना चाहता है, और शेलिन के साथ डेट पर जाने के बाद जोंग शाओ को शेलिन के कामों से छुटकारा भी मिल जाएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि जोंग शाओ डेट पर जाए और जू यांग घर पे हाथ रखा बैठा रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। जू यांग भी पहुंच जाता है अम्यूजमेंट पार्क में, लेकिन गेस व्हाट, जू यांग को वहीं पे मेंगरान दिख जाती है। वेल शुरुआत में तो जू यांग स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि वो कैसे मेंगरान को बताएगा कि वो जोंग शाओ को पीछा कर रहा है। लेकिन जू यांग की किस्मत चमक जाती है, क्योंकि वहां पर जो है पुरानी बुक्स भी मिला करती है, जिस पर मेंगरान जू यांग से पूछने लगती है कि शायद से तुम भी बुक्स लेने आए हुए हो ना, क्योंकि यहाँ पर सस्ती बुक्स मिलती है, जिस पर जू यांग मेंगरान की बातों पर हाँ में हाँ भरता है। वेल वैसे तो ये बहुत बड़ा पार्क था, तो इन दोनों का आपस में टकराना तो बनता नहीं था, लेकिन स्टिल डेस्टिनी कहते हैं ना, एक दूसरे को मिलवा ही देती है, जिसके चलते जोंग शाओ और जू यांग एक दूसरे से पार्क में मिल जाते हैं। वेल यहाँ पर जोंग शाओ जू यांग को वहां पर देख कर काफी सरप्राइज थी, क्योंकि पिछली रात ही जोंग शाओ ने जब जू यांग से पूछा था कि क्या वो भी उनके साथ पार्क में चलेगा, तो जू यांग साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे किताबें पढ़नी है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर तो जू यांग आया हुआ है, अब जू यांग को किताबें नहीं पढ़नी क्या, और ऊपर से जू यांग यहाँ पर मेंगरान के साथ है, जिसके चलते जोंग शाओ के दिल में अलग आग लग जाती है। वेल अब इस चक्कर में जब शेलिन जोंग शाओ के लिए क्लिप खरीदता है, वो भी इतने प्यार से, तो जोंग शाओ शेलिन से ही लड़ लेती है और काफी रूडली शेलिन से बात करती है, जिस पर शेलिन को समझ आ जाता है कि जोंग शाओ जिस वे में जू यांग को देखती है, उस वे में कभी भी उसने शेलिन को नहीं देखा। वेल अब जोंग शाओ का मूड काफी खराब था, जिसके बाद जोंग शाओ और शेलिन पार्क से निकल जाते हैं, और जोंग शाओ को पार्क से बाहर जाता हुआ देख जू यांग भी वहां से जाने लगता है। लेकिन वेट वेट वेट, अब आती है मेंगरान की बारी। वेल मेंगरान अब जू यांग को रोकते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे सच में पसंद नहीं करते हो, हम दोनों की हॉबीज भी सेम है, स्टिल तुम जोंग शाओ के पीछे पड़े हो।
लेकिन गेस वर्ड, जुयांग वहाँ पर एक वर्ड तक नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि जुयांग का आंसर साफ था कि वो मेंगरान को पसंद नहीं करता, और मेंगरान भी समझ जाती है कि जुयांग किसे पसंद करता है। मतलब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जोंगशा पूरे दिन घूमने के बाद जब रात को घर आती है तो घर पर ऑलरेडी जुयांग मौजूद था। वेल यहाँ पर जोंगशा जुयांग को देख कर स्माइल करने लगती है और जुयांग से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतनी लेट तक नहीं रुकना चाहिए, जिस पर जुयांग भी साफ कह देता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं रुका हूँ, मेरे कमरे की लैंप थोड़ी ख़राब हो गई थी और मुझे पढ़ना था, जिस चक्कर में मैं उठा हुआ हूँ अभी। लेकिन जोंगशा को भी मालूम था कि जुयांग उसे झूठ कह रहा है, क्योंकि जुयांग ने जो बुक पकड़ी हुई थी वो उल्टी थी, और ऑफकोर्स कोई पर्सन ऐसे ही उल्टी किताब तो पढ़ेगा नहीं। और जब ये बात जुयांग को भी मालूम पड़ती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है। वेल नेक्स्ट सुबह जब जोंगशा सो के उठती है तो यहाँ पर जुयांग ने जोंगशा के लिए सुबह सुबह खाना प्रिपेयर करके टेबल पर रखा हुआ था, जिसे देखकर जोंगशा को काफ़ी खुशी होती है कि तभी अचानक से जोंगशा की नज़र कैलेंडर पर जाती है, जिसके अकॉर्डिंग जोंगशा को मालूम पड़ता है कि आज जुयांग का बर्थडे है। ऑफकोर्स जुयांग को भी मालूम था कि आज उसका बर्थडे है और वो अपना बर्थडे आज जोंगशा के साथ सेलिब्रेट भी करना चाहता था। लेकिन जब जुयांग क्लास में जोंगशा से पूछता है कि क्या आज वो फ्री है, तो जोंगशा साफ साफ मना कर देती है और जुयांग को कह देती है कि आज उसे शिलिंग के साथ कहीं जाना है। वेल बेचारा जुयांग पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन कोई भी जुयांग का बर्थडे ना ही सेलिब्रेट करता है ना ही जुयांग को विश करता है। जिसके बाद जब रात में जुयांग को जुयांग की मॉम का कॉल आता है तो यहाँ पर जुयांग की मॉम पूछने लग जाती है कि तुम्हारा बर्थडे कैसे जा रहा है, और जुयांग अपनी मॉम को उदास नहीं देखना चाहता था, जिसके चलते जुयांग भी झूठ कह देता है कि मेरे दोस्त मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मना रहे हैं। वेल ऑफकोर्स आज जुयांग का स्पेशल डे था, लेकिन जुयांग का स्पेशल डे ऐसे ही फीका फीका गया, जिसके चलते जुयांग काफ़ी उदास था कि तभी अचानक से जुयांग को जोंगशाओ का कॉल आता है, जो कि जुयांग को गेट खोलने के लिए कहती है, क्योंकि जोंगशाओ के हाथों में बहुत सारा सामान है। और गेस व्हाट, जैसे ही जुयांग गेट खोलता है तो यहाँ पर जोंगशाओ के हाथों में केक था, और गेट खोलते ही जोंगशा गाना गाने लग जाती है और जुयांग को हैप्पी बर्थडे विश करती है। वेल अब इसके बाद जोंगशा और जुयांग दोनों मिल के जुयांग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और इवन जोंगशा यहाँ पर जुयांग के बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर एक बुक भी लाई हुई थी, क्योंकि एक पढ़ाकू बच्चे को किताबें ही पसंद आती है। और वैसे तो जोंगशा ने जुयांग को नॉर्मल सा बर्थडे प्रेजेंट दिया था, लेकिन जुयांग काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि एक तो उसको ये गिफ्ट अपनी लवर के हाथों मिला है, और साथ ही साथ आज तक किसी ने भी जुयांग का बर्थडे ना ही सेलिब्रेट करा ना ही जुयांग को गिफ्ट दिया। तो ऑफकोर्स जुयांग का ये पहली बार था कि किसी ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया है, जिसके चलते जुयांग डबल हैप्पी था। पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोंगशा सुबह सुबह स्कूल जाने के बजाय अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। एक्चुअली में जोंगशा की डायरी मिसिंग थी, जिसके चलते जोंगशा अपनी डायरी ढूंढ रही थी, लेकिन जुयांग को स्कूल के लिए लेट हो रहा था, जिसके बाद जुयांग जोंगशा को घर में छोड़कर खुद स्कूल के लिए निकल जाता है। वेल यहाँ पर जब जुयांग स्कूल में पहुंचता है तो बहुत सारे लड़के झुंड बनाकर किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं और काफी तेज तेज हंस रहे होते हैं, जिसके बाद जब वो लड़के जुयांग को देखते हैं तो जुयांग को भी अपने पास बुलाकर जुयांग को वो डायरी दिखाते हैं, जो कि और किसी की नहीं जोंगशा की थी। वेल जोंगशा ने उस डायरी में टाइम ट्रैवलिंग के बारे में लिखा हुआ था और बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ था, जो कि उस टाइम के बच्चों के लिए काफी ज्यादा हंसी का टॉपिक था, जिसके चलते वो काफी तेज तेज हंस रहे थे और इवन जोंगशा का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जुयांग जोंगशा का मजाक बनता हुआ नहीं देख सकता था, जिसके चलते जुयांग तुरंत उस बच्चे का हाथ मरोड़ देता है और उससे जोंगशा की डायरी भी छीन लेता है। लेकिन स्टिल उन लड़कों को शायद से अकल नहीं आती, जिसके चलते जब जोंगशा स्कूल में एंट्री करती है तो जोंगशा को देख कर वो लड़के जोंगशा के पास जाते हैं और उसे टाइम ट्रैवलिंग दीदी कहते हुए चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, और साथ साथ उसको देखकर काफी तेज तेज हंसते भी है, जो कि जोंगशा को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। लेकिन इस बार जोंगशा का मजाक बनता हुआ शेलिन देख लेता है, जिसके चलते जैसे ही वो लड़के अकेले होते हैं तो शेलिन ढंग से उन लड़कों को सबक सिखाता है। तब जोंगशा जब क्लास के लिए जाती है तो जुयांग जोंगशा को उसकी डायरी पकड़ा देता है, जहाँ पर जोंगशा डायरी देखने के बाद समझ जाती है कि क्यों वो लड़के उसका मजाक बनाने में लगे हुए थे। वे यहाँ पर जोंगशा जुयांग से भी पूछती है कि क्या वो भी जोंगशा के लिए उन्हीं लड़कों की तरह सोचता है। लेकिन इससे पहले कि जुयांग कोई रिस्पॉन्स दे पाता कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और जोंगशा से कहती है कि उसे टीचर ने स्टाफ रूम में बुलाया हुआ है। वेल यहाँ पर जोंगशा को टीचर ने डांटने के लिए बुलाया था, क्योंकि जब शेलिन ने उन लड़कों को मारा तो इसके बाद वो लड़के तुरंत ही टीचर के पास जाकर शेलिन और जोंगशा के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर दिए कि हमने कुछ देर पहले जोंगशा को टीज करा था, जिसका रिवेंज लेने के लिए शेलिन ने हमें काफी बुरी तरह से मारा। वेल यहाँ पर टीचर को लगता है कि शायद से जोंगशा और शेलिन के बीच में कुछ चल रहा है, जिसके चलते शेलिन
जोंगशाओ को प्रोटेक्ट करने में लगा है। लेकिन जोंगशाओ टीचर को क्लियर कर देती है कि उनके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, वो दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड है। जिसके बाद शेलिन भी अपनी सफाई में कहता है कि इसमें जोंगशाओ को लेने देना कुछ नहीं है, मैंने अपने पर्सनल रीजन की वजह से उन लड़कों को मारा था। जिसके बाद टीचर जोंगशाओ और शेलिन को स्टाफ रूम से बाहर भेज देते हैं और साथ साथ शेलिन को सुनाते भी है कि नेक्स्ट टाइम से उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि मारपीट करना अच्छी बात नहीं होती। वेल, स्टाफ रूम से जाने के बाद जोंगशाओ शेलिन से फिर भी एक बार और पूछती है कि क्या तुमने सच में मेरी वजह से उन लड़कों को मारा। लेकिन शेलिन जोंगशाओ को सच नहीं बताता और साफ साफ मना कर देता है, लेकिन असलियत तो हमें ही मालूम है कि शेलिन जोंगशाओ की चिंता करता है। साथ साथ ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, जिसके बाद शेलिन भी हिम्मत करके जोंगशाओ से पूछ लेता है कि क्या वो जुयांग को लाइक करती है। वेल, शुरुआत में तो जोंगशाओ शांत हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद जोंगशाओ शेलिन को बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जुयांग उसका नॉर्मल फ्रेंड है और जुयांग भी उसे पसंद नहीं करता। लेकिन शेलिन यहाँ पर जोंगशाओ को मोटिवेट करते हुए बताता है कि तुम जब तक जुयांग को पसंद करती रहोगी तब तक जुयांग भी तुम्हें पसंद करता रहेगा, जिसके चलते तुम्हें हमेशा जुयांग के लिए जो है सेम फीलिंग रखनी चाहिए। वेल, यहाँ पर शेलिन जोंगशाओ को एडवाइस देने के बाद वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर शेलिन के जाने से पहले जोंगशाओ भी शेलिन को विशेष देती है कि उसको भी बहुत ही जल्द उसकी लवर मिल जाए। इसके बाद शेलिन जोंगशाओ को बाय कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है और ये यहाँ पर शेलिन का लास्ट बाय था, क्योंकि शायद से शेलिन अब जोंगशाओ के ऊपर से गिव अप कर चुका था और साथ साथ आगे हमें ड्रामे में शेलिन नहीं दिखाई देगा। मतलब शेलिन के वहां से जाने के बाद जोंगशाओ तुरंत ही जुयांग के पास जाती है, जो कि काफी टाइम से जोंगशाओ का वेट कर रहा था। वेल, इसके बाद जुयांग तुरंत ही जोंगशाओ को छत पे लेके जाता है और साफ साफ जोंगशाओ को कह देता है कि अगर टाइम ट्रेवलिंग की बात कोई और आकर मुझसे कहता, मैं ऑफकोर्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि ऑफकोर्स जुयांग पढ़ने वाला बच्चा है, वो ऐसी चीजों पर क्यों यकीन करेगा। लेकिन जोंगशाओ ने ये बात कही है तो जुयांग चाहता है जोंगशाओ पर ट्रस्ट करना। वेल, जुयांग के मुंह से ऐसी बातें सुनने की वजह से जोंगशाओ काफी खुश जाती है, क्योंकि एटलीस्ट किसी ने तो उस पर ट्रस्ट करा। वेल, अब घर जाते टाइम जुयांग को मालूम पड़ गया था कि अगर वापस से जोंगशाओ टाइम ट्रेवल करेगी तो यानी कि वो अपने वर्ल्ड में वापस चली जाएगी, और अगर जोंगशाओ एक बार अपने वर्ल्ड में वापस चले गए तो यानी कि जुयांग और जोंगशाओ को काफी वेट करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए। लेकिन स्टिल जुयांग जोंगशाओ से प्रॉमिस करता है कि वो जोंगशाओ की हेल्प करेगा जोंगशाओ को वापस उसके वर्ल्ड में भेजने के लिए, जिस पर जोंगशाओ जुयांग को बताती है कि उसने काफी बार ट्राई कर लिया है लेकिन उसे स्टिल जो है रास्ता नहीं मिल पा रहा है टाइम ट्रेवल करने का। मतलब सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर जब जोंगशाओ और जुयांग क्लास में जाते हैं तो एक बार फिर से सारे लड़के जोंगशाओ को टाइम ट्रेवलिंग दीदी कह के चलाने लग जाते हैं कि तभी कुछ बच्चे क्लास में आते हैं और सभी को न्यूज़ देते हैं कि अचानक से ऑडिटोरियम कोलैप्स हो गया है, यानी कि ऑडिटोरियम गिर चुका है। वेल, ये न्यूज़ सुनते ही तुरंत ही एक लड़की चिल्लाती है और कहती है कि ये तो वही न्यूज़ है ना जो कि कुछ टाइम पहले हमें जोंगशाओ ने बताई थी। वेल, ये बात का पता चलते ही फाइनली सभी लोग मान जाते हैं कि सच में जोंगशाओ फ्यूचर से आई है, जिसके बाद सभी के सभी जोंगशाओ को घेर के खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर जोंगशाओ भी इतराते हुए सभी से कहने लग जाती है कि सभी लोग लाइन बाई लाइन खड़े हो जाओ, मैं एक एक करके सभी को उसका फ्यूचर बताऊंगी। वहीं पे जुयांग भी जोंगशाओ के बगल में बैठकर सिर्फ और सिर्फ जोंगशाओ को देखने में लगा होता है और जोंगशाओ की हरकतें देख के स्माइल करता है। मतलब क्लास खत्म होने के बाद जोंगशाओ और जुयांग दोनों के दोनों लग जाते हैं वापस से जोंगशाओ को उसके वर्ल्ड में भेजने के लिए। वेल, जोंगशाओ को लगता है कि शायद से पार्टी वाले लोकेशन की वजह से जोंगशाओ ने टाइम ट्रेवल करा, जिसके बाद जोंगशाओ और जुयांग पार्टी वाले लोकेशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद जोंगशाओ देखती है कि वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ खाली मैदान है, यानी कि स्टिल अभी तक वहां पर हॉल नहीं बना है पार्टी का। जिसके बाद जोंगशाओ और जुयांग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वेल, रास्ते में जोंगशाओ जुयांग को बताती है पार्टी वाले दिन कि जुयांग और मेघरान साथ में आए थे और हमने सुना था कि तुम दोनों जो हो रिलेशनशिप में हो, जिस पर जुयांग साफ साफ जोंगशाओ को कह देता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, मैं मेघरान के साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा। वेल, अब बातों बातों में अचानक से जुयांग को एक बात पॉपअप होती है कि पार्टी वाली लोकेशन में ऑफकोर्स ड्रिंक्स तो होंगे ही होंगे, तो हो सकता है कि ड्रिंक्स की वजह से जोंगशाओ ने टाइम ट्रेवल करा हो। जिसके बाद जोंगशाओ और जुयांग दोनों के दोनों शॉप से ड्रिंक्स खरीदते हैं और उन्हें अपने घर में लेके जाते हैं, लेकिन ड्रिंक करने के बाद भी जोंगशाओ स्टिल टाइम ट्रेवल नहीं कर पाती। वेल, इसके बाद जोंगशाओ और जुयांग टाइम ट्रेवल के बारे में इंटरनेट में भी सर्च मारते हैं, जहां पर इंटरनेट में लिखा हुआ था कि जब दो पर्सन एक दूसरे को किस करते हैं तो इसके थ्रू वो टाइम ट्रेवल कर पाते हैं। वेल, ये बात सुनते ही दोनों के बीच में काफी ज्यादा ऑकवर्डनेस आ जाती है और इवन जुयांग जो है इस ऑकवर्डनेस के चक्कर में जोंगशाओ की पड़ी हुई ड्रिंक भी खुद पी लेता है।
बेल यहाँ पर जू यांग ड्रिंक करने के चक्कर में वहीं पे ही सो जाता है जहाँ पर स्टिल जोंग शाओ जगी हुई थी। बेल यहाँ पर जोंग शाओ एक बार चेक करना चाहती थी कि क्या किस करने की वजह से वो टाइम ट्रेवल कर पाती है कि नहीं, जिसके बाद जोंग शाओ चुपचाप से जू यांग के चीक्स पर उसे किस करती है, लेकिन जोंग शाओ स्टिल अभी भी टाइम ट्रेवल नहीं कर पाती, जिसके बाद जोंग शाओ एक बार फिर से निराश हो जाती है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ थोड़ा सा खुश भी हो जाती है क्योंकि उसने जू यांग को किस करा है। बेल अब इसके बाद जब जू यांग को होश आता है तो तब तक जोंग शाओ सो चुकी थी, जिसके बाद जोंग शाओ को जू यांग गोदी में उठाकर उसके रूम तक लेके जाता है। फिर यहाँ पर जू यांग को जोंग शाओ के रूम में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसे जू यांग अपने रूम में लेके जाता है और उसे प्ले करने ही वाला होता है कि कुछ सोचकर जू यांग अचानक से रुक जाता है। वेल अब नेक्स्ट डे जू यांग जोंग शाओ को मिलने के लिए बुलाता है और जू यांग को उसके टेप रिकॉर्डर के बारे में बोलता है। वेल टेप रिकॉर्डर को देखने के बाद जोंग शाओ और जू यांग दोनों को मालूम पड़ चुका था कि शायद से टेप रिकॉर्डर की वजह से जोंग शाओ इस वर्ल्ड में आई है, यानी कि अगर जू यांग एक बार टेप रिकॉर्डर चला देगा तो जोंग शाओ अपने वर्ल्ड में वापस चली जाएगी। वेल अब जोंग शाओ और जू यांग दोनों को ही सच्चाई का पता चल चुका था, जिसके चलते वो दोनों उदास हो जाते हैं, लेकिन जोंग शाओ जू यांग को रोक देती है और कहती है कि अभी मैं अपने वर्ल्ड में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं इस वर्ल्ड में रहकर बहुत सारे काम करना चाहती हूँ, इसके बाद मैं अपने वर्ल्ड में जाऊंगी। वेल जोंग शाओ की ये बात सुनने के बाद जू यांग थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि जू यांग भी जोंग शाओ को कुछ टाइम के लिए रोकना चाहता था, क्योंकि वो ज्यादा देर तक तो जोंग शाओ को नहीं रोक सकता है, अगर जोंग शाओ पूरे टाइम इसी वर्ल्ड में रहेगी तो ऑफकोर्स फ्यूचर वाली जोंग शाओ गायब हो जाएगी, जिसके चलते अब जोंग शाओ और जू यांग का एक ही मोटिव था कि जब तक जोंग शाओ इस वर्ल्ड में है तब तक जोंग शाओ और जू यांग एक साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करें। फिर अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंग शाओ और जू यांग एक शॉप के बाहर लाइन में लगे हुए थे। वेल यहाँ पर तभी अचानक से एक कपल आता है और लाइन को ब्रेक करते हुए जोंग शाओ के आगे खड़े हो जाता है। वेल ये चीज जोंग शाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसके चलते जोंग शाओ उन कपल से लड़ने लग जाती है। वेल वो कपल भी लड़ने वाले थे कि तभी अचानक से जोंग शाओ की नाक से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों कपल काफी डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं हमारे ऊपर केस ना हो जाए, जिसके बाद तुरंत के तुरंत वो दोनों कपल वहां से भाग जाते हैं। वेल अब इस इंसिडेंट के बाद से जोंग शाओ की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, जैसे कि जोंग शाओ को बुखार हो जाता है। वहीं पे जब स्कूल में इवेंट होता है और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तो जोंग शाओ भी जैसे ही उन्हें ज्वाइन करती है और डांस करने लगती है कि तभी अचानक से डांस करते करते जोंग शाओ बेहोश हो जाती है। वेल डॉक्टरों को भी समझ नहीं आता कि जोंग शाओ के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वेल ये बात सुनने के बाद जू यांग काफी उदास था, जिस पर जू यांग को तसल्ली देने के लिए जोंग शाओ जू यांग से कहने लगती है कि शायद से मेरा बीपी लो हो गया होगा, इसी वजह से मैं गिर गई। लेकिन असलियत में दोनों को अंदर से मालूम था कि ये सब कुछ जोंग शाओ के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि जोंग शाओ दूसरे वर्ल्ड की है और इस वर्ल्ड में जोंग शाओ का और ज्यादा दिन तक रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वेल अब जोंग शाओ घर पहुंच चुकी थी, लेकिन जोंग शाओ घर में पहुंचने के बाद भी काफी ज्यादा बीमार थी, जिस पर जू यांग जोंग शाओ को दूध देने के लिए आता है। वेल यहाँ पर जोंग शाओ और जू यांग से रिक्वेस्ट करती है कि क्या कल तुम मेरे साथ सनराइज देखने के लिए चलोगे, जिस पर जू यांग हाँ कह देता है। वेल अब यहीं पे सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में जोंग शाओ और जू यांग दोनों के दोनों बीच के पास जाते हैं नेक्स्ट डे सनराइज देखने के लिए, जहाँ पर सनराइज होता हुआ देख जोंग शाओ काफी खुश थी और जू यांग भी जोंग शाओ की खुशी में काफी खुश था कि तभी अचानक से एक बार फिर से जोंग शाओ को नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वेल यहाँ पर जोंग शाओ नोज ब्लीडिंग छुपाना चाहती थी जू यांग से, लेकिन जू यांग सब कुछ देख चुका था और जू यांग को भी मालूम था कि अब वो जोंग शाओ को ज्यादा दिन तक इस वर्ल्ड में नहीं रख सकता। वेल इसके बाद तुरंत ही जू यांग अपने बैग से कैमरा निकालता है, जिसे देखती जोंग शाओ शॉक्ड हो जाती है और तुरंत जू यांग के पीछे कैमरे को छीनने के लिए भागती है, क्योंकि जोंग शाओ इस वर्ल्ड से कभी भी नहीं जाना चाहती थी, जिसके चलते जोंग शाओ ने इवन ये कैमरा छुपा दिया था, पर पता नहीं कैसे जू यांग के हाथों में ये वापस से कैमरा लग गया है। लेकिन स्टिल किसी भी कीमत पर जू यांग भी जोंग शाओ को ये कैमरा नहीं देता है और उसके बाद कैमरे को ऑन कर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर जू यांग जोंग शाओ की वीडियो रिकॉर्ड करता है और साथ साथ ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं इस वर्ल्ड में तुम्हें रोकना चाहता था लेकिन तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती हो, मैं चाहता हूँ तुम अपने वर्ल्ड में वापस जाकर काफी ज्यादा इंजॉय करो क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, साथ ही साथ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ लेकिन एक दिन मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी लाइफ में एंटर करके हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूंगा। वेल जू यांग के मुंह से ये सारी बातें सुनकर जोंग शाओ काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहीं पर रोने लग जाती है और इवन जू यांग भी काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि अब जोंग शाओ यहाँ से जाने वाली है।
मतलब यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में जोंग शा जुयांग के बर्थडे के ठीक एक दिन पहले वाले टाइम में पहुंच चुकी थी। वेल यहाँ पर जोंग शा होश में आती ही सोच में पड़ जाती है कि उसने अभी तक जो कुछ भी देखा वो उसका सपना था या फिर सच में उसने टाइम ट्रेवल करा था। लेकिन खैर जोंग शा नेक्स्ट डे जुयांग की पार्टी में पहुँच जाती है, लेकिन जोंग शा यहाँ पर काफ़ी उदास थी कि तभी अचानक से जोंग शा देखती है कि वेट्रेस की ड्रेस बिल्कुल सेम उसकी ड्रेस की तरह है, जिसे देखती जोंग शा समझ जाती है कि एक्चुअली में सच में उसने टाइम ट्रेवल करा था। जिसके बाद जोंग शा भागते हुए पार्टी के अंदर पहुंचती है और अपने फ्रेंड शेलिन से पूछने लग जाती है कि क्या जुयांग आ गया है, जिस पर शेलिन जोंग शा को जवाब देता है कि जुयांग का पता नहीं, वो शायद से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। वेल ये बात सुनते ही जोंग शा काफी उदास हो जाती है क्योंकि जोंग शा को लग रहा होता है कि जुयांग अब नहीं आने वाला है। जिसके बाद जोंग शा बीच के पास पहुंच जाती है और ये वही बीच था जहां पर लास्ट टाइम जोंग शा और जुयांग ने साथ में सनराइज होते हुए देखा था। वेल जोंग शा बीच के पास पहुँच कर अपनी और जुयांग की सारी मेमोरीज याद करती है और जुयांग को याद करते हुए काफ़ी तेज तेज रोने लग जाती है और कहती है कि तुमने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये सब कुछ झूठ है, तुम अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। कि तभी अचानक से जोंग शा को उसकी फ्रेंड कॉल करती है और जोंग शा को बताती है कि अभी अभी न्यूज़ मिली है कि जुयांग पार्टी में आने वाला है, तो तुम्हें जल्द से जल्द पार्टी वाली लोकेशन में पहुँच जाना चाहिए। वेल ये न्यूज़ का पता चलते ही जोंग शा जैसी पीछे मुड़ती है कि तभी जोंग शा के ठीक पीछे जुयांग मौजूद था। फिर यहाँ पर जुयांग जोंग शा को देखकर कहने लगता है कि किसी ने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि तुम मुझे भी किस देकर मुझसे माफी मांग सकते हो, क्या ये रूल अभी भी वैलिड है कि नहीं है। जिसके बाद हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि ये लाइन और किसी ने नहीं जोंग शा ने ही कही थी। जब जोंग शा खिड़की से कूद जाती है तो जोंग शा खिड़की से कूदने के बाद जुयांग से यही कहती है कि तुम मुझे किस करके तुम मुझसे माफी मांग सकते हो। वेल जुयांग की ये बात सुनने के बाद जोंग शा काफ़ी ब्लश मारने लग जाती है, जिसके बाद जुयांग जोंग शा के करीब जाता है और जोंग शा को किस कर लेता है और यहीं पे हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। वेल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट कौन से ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू इस ड्रामा का रिव्यू भी दे सकते हो कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा या फिर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो अगर आप लोगों को मेरा वर्क पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए Bye.